है एजुकेशन की, अब कॉलेज से बाहर निकलने के बाद कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं, और तभी जब रीयूनियंस होती हैं, एलुमनाई मीट्स होती हैं, तो हम उन्हें बहुत इन्जॉय करते हैं। हाल ही में ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन हिंदू कॉलेज ने एक एलुमनाई डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया, उस पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए। We welcome you to this 12th Distinguished Alumni Awards function. It's not an easy task, you see, to select the alumnus who move out of the college and then in various spheres of life they achieve distinction, whether it is in the field of sports, in the field of politics, in the field of business and industry. Everywhere, you see, we find Hinduites contributing their bit for the country. I was 42 years associated with that college, and almost every brick I have seen come in front of me. And the question that used to intrigue me very much was that how is it that a group of businessmen, and later I discovered not just from the walled city, but from Dr. Kapila Vatsayan, one of our pioneers of Hindu College, has just joined us, who were the original members of Hindu College. And then, you know, since every year they were, they had to put in the lists of the new members. So I actually got a mine of information from there. And then followed what I call a detective trail, tracking people and places. 13 साल की 13 मासूम लड़कियाँ, 1000 लड़के, बड़ा मज़ा आया। कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उठाई नहीं, और चिक के पीछे बैठे रहते थे हम, तो ठरानी साहब से लड़ाई हो गई। 1942 का मामला था, एक तरफ 9th अगस्त था, दूसरी तरफ चिक के पीछे आप बैठे रहो, तो कैसे बैठे रहे? हम तो प्रोसेशन में जाने के लिए तैयार थे, हम गए भी, दो लोग पकड़े गए, और ये लक्ष्मीचंद जैन साहब पहले थे, वो पहले पकड़े गए, और शक्ति दत्ता थी, वो पकड़ी गई। हमें कहा गया था कि आप जरा रियर गार्ड में रहे ना, ध्यान से, तो रियर गार्ड वालों को उन्होंने पकड़ा नहीं, तो इसलिए हम कॉलेज वापस आ गए। कॉलेज वापस आ गए तो वही जो 13 लड़कियाँ और 1000 लड़के, और ठडानी साहब थे, बड़े ज़ोरदार ऐसे वो चलते, यू कम टू द कॉलेज बाय डू आउटसाइड द चिक इंटरेस्टेड इन बॉयज। आई सेड दैट्स व्हाई आई केम टू कॉलेज, ओनली बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन बॉयज। Says that the book is going to be very, very interesting, so that the reader or prospective reader picks up the book and they don't put it down till they read from first page to last page. But having said so, let me tell you very frankly, and let me tell each and everybody who is present here, that this book, whatever she has said, is only a suspense. There is much, much more in this book. And therefore, please read this book. Thank you very much.
हिंदू कॉलेज मेरे लिए शायद सबसे मेरा दूसरा घर अभी तक मेरे दिमाग में, मुझे लगता है मैं अभी कॉलेज में ही हूँ जबकि मुझे पास आउट किए बहुत साल हो गए। हिंदू कॉलेज में 5 साल बिताने में आदमी को बहुत कुछ फ़ायदा मिला। मैं तो यही समझता हूँ कि मेरा जो पर्सनैलिटी डेवलप हुआ है क्योंकि वो कॉलेज में रहने से। किसी कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया तो हिंदू कॉलेज ने एडमिशन दिया था, उसके लिए मैं हमेशा आभारी हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे यादें हिंदू कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं। अभी कह रहे थे कि हिंदू कॉलेज के नाला की अब भीड़ हुआ करती थी, हमारे फाउंडर्स डे में लाला श्रीराम जी आया करते थे, उस दिन के नाश्ता पानी का खर्चा लाला जी भोगते थे, इसलिए हम लोग दबा के नाश्ता खाते थे क्योंकि द बिल वॉज पिक्ड अप बाय लाला श्रीराम हु वाज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। कॉलेज रिकग्नाइज कर रहा है, इस तरह का ऑनर दे रहा है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है। एक बुनियाद हमें डाली जा रही थी और हम उस पीढ़ी के हैं, 1942 की पीढ़ी के हैं, और तब गांधी जी का डू और डाई का नारा आया था। तो कॉलेज आते ही पहले प्रोसेशन में 9 अगस्त को चले गए, उसके बाद की जीवन की यात्रा जो है वो उसी नींव से होती है। गुड इवनिंग।